तो नौमी डेरा में है और बाबा रामवीर दास जी जो कि एक महीने से तपस्या पे थे और रात और दिन की तपस्या थी, तो यहाँ पे अब साधु संत आए हुए हैं। हमारे साथ हैं बाबा कालिदास जी, तो इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो महाराज जी जैसे ये बताएं कि तपस्या करते हैं बाबा, सर्दियों में भी करते हैं, गर्मियों में भी करते हैं, पचधूनी के बीच भी करते हैं या शीतकालीन स्तर में भी करते हैं, अब की बार दिन रात में एकांत में करते हैं, तो ये कौन सी तपस्या होती है जिसमें अब न तो फ़ोन लेके जाते न किसी से बात करते, एक किस्म से बिल्कुल अलग जो गुफा में तपस्या करते हैं वैसे, इसके बारे में बताएं। आज नमी डेरा का बीच में बाबा रामवीर दास जी महाराज ने आज से तपस्या किया नहीं है, ये 2002 से तपस्या लगातार करते आए हैं। इनका तपस्या कभी 21 धुनामा रहा, कभी 5 धुनामा रहा, कभी 11 धुनामा रहा। ऐसे तपस्या करते हुए इनका लिए कोई भी विशेष बात नहीं है, अति सरल बात है। संत महापुरुष इस बीच में यहाँ पूज्य संत शिरोमणि गोकर्ण पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जूना अखाड़ा, हमारे गुरुवर जी महामंडलेश्वर कपिलपुरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। समय समय में आप यहाँ कोई भंडारा होता, कोई उत्सव होता, वार्षिक उत्सव होता, और ऐसे तपस्या का भी इसमें इनका सानिध्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए महाराज श्री यहाँ पधारते हैं। ऐसे तो सभी जगह जाते हैं महाराज जी, महाराज जी का यहाँ का लिए बहुत विशेष करके तपस्वी महापुरुष है। इनका तपस्या लगातार रहा है, ये हठ योग भी करते हैं और भावना भक्ति और श्रद्धा का साथ ये अपना योगा का माध्यम से बड़ी तपस्या करते हैं। ऐसे महात्मा का आशीर्वाद का लिए संत महापुरुष कई आ करके तपस्या करते हैं। इस बीच में पधारे भारती जी महाराज यहाँ पहुँच चुके हैं, तो नैमी डेरा इनका गुरु स्थान है, गुरु जी ने बहुत भारी तपस्या यहाँ किया। भारी तपस्या करने का बाद इनको बचपन काल से ही इन्होंने यहाँ गुरु का सानिध्य लेकर के तपस्या किया, इसी तपस्या से आज महीना भर का तपस्या इनका पूर्ण हुआ। इसमें सभी आकर के आशीर्वाद दे भी रहे और हम लोग सभी आए हैं आशीर्वाद ले भी रहे, तमाम जनता बाहर में है और हमारे महामंडलेश्वर कपिलपुरी महाराज जी गुरु जी का सानिध्य जहाँ मिलता है, जहाँ भारती महाराज जी का सानिध्य मिलता है वहाँ कोई कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए नैमी डेरा बहुत सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थान है, तपस्थली है। इसका लिए मैं भगवान से गुरु महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ, दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति हो, आपका तपस्या फले फूले आगे बढ़े, डेरा का उन्नति हो, सभी भक्तों को आपका आशीर्वाद प्राप्ति हो, सभी को आशीर्वाद मिले, यही कामना करते हुए मैं अपना वाणी को ही विश्राम देता हूँ। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण।
जी है।